नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते लोगों की रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। ऐसे ही एक बड़े तबके की हम बात कर रहे हैं जो लॉकडाउन के प्रथम चरण से परेशान और मजबूर है, जिन पर अब तक शासन प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी। जी हाँ, खबर है मंडला से, जहाँ हम बात कर रहे हैं बस एसोसिएशन के कर्मचारियों की, जो कि लॉकडाउन के बाद से ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिससे इनकी और इनके परिवार की रोजी रोटी चल रही थी। इसमें बस एसोसिएशन के कंडक्टर, ड्राइवर और हेल्पर शामिल हैं। करीब 80 दिन हो गए हैं बस के पहिए थमे हुए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन लोगों पर पड़ रहा है। कुछ ड्राइवर तो रोज की हमाली कर रहे हैं। लॉकडाउन पर सरकार की गाइडलाइन तैयार की गई थी कि 50 से 30 सीटरों की बसों में आधे ही व्यक्ति सफ़र करें, जो कि बस संचालकों के लिए बस चलाना संभव नहीं। वह इसलिए क्योंकि ऐसे में बस का डीजल भी निकाला नहीं जा सकता, फिर किस तरीके से ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर को रुपया दिए जाएं। इसलिए आज बस एसोसिएशन मंडला के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और इस ज्ञापन में अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ ड्राइवर, चालक, परिचालक जो और क्लीनर, इनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट है। न इसमें किसी मोटर मालिक के द्वारा और न ही किसी प्रकार के शासन के द्वारा हम लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। कुछ लोग किराए के मकान में रहे हैं, किसी को बिजली बिल पटाना है। आर्थिक संकट की स्थिति बहुत जूझ रही है और गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना वायरस के चलते अगर कोई पुलिसकर्मी अगर उसमें एक्सपायर होता है तो उसको दुर्घटना की राशि मिलती है, और जो हॉस्पिटल विभाग में जो कार्यरत हैं उनको उस राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर वाहन संचालन होता भी है तो ड्राइवर, कंडक्टर उस गाड़ी को अगर चलाते हैं तो उसमें अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसमें जो राशि का अमाउंट है वो ड्राइवर, कंडक्टर को मिलना चाहिए। चालक, परिचालक, हेल्पर, 22 मार्च से गाड़ियाँ बंद हुई। शाम से सभी गाड़ी को बंद कर दिया गया, पूरा कोरोना काल चला। चलने के बाद स्थिति ये बनती कि हमारे जो भाई हैं मोदी से जी से बहुत सारी घोषणाएँ हुई, लेकिन हमारे जो चालक परिचालक हैं इनको कैसी कोई प्रकार की ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिली। अब किसी के पास राशन कार्ड है नहीं है, हर प्रकार के लोग बेचारे कहाँ से राशन कार्ड पाएंगे, कहाँ से आधार, कई किसी का तो आधार कार्ड तक नहीं होगा। अब वो बेचारे करें क्या? गवर्नमेंट की तरफ से आज तक ना कोई मीडिया वालों ने जानकारी ली, ना कोई पत्रकारों ने जानकारी ली, या कोई व्यक्ति इस प्रकार से हम लोग बीच में नहीं आया कि हम लोग के बीच में कोई जानकारी गवर्नमेंट तक पहुँच सके। जब काफ़ी समय से ऐसे हम लोगों ने कोशिश किया, लोगों को जगाया, जब जाके बेचारे सब एकत्रित हुए और आज इसलिए ज्ञापन सौंपने गए थे कलेक्ट्रेट में कि भाई हमारे जो बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट में जो मिलने वाली योजनाएं हैं उनका भी हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल पाई जो कि उनको सहयोग राशि या राशन पानी कुछ भी उपलब्ध प्राप्त नहीं हुई। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।